मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के टीटी नगर इलाके में छेड़खानी का विरोध करने पर महिला को बदमाशों ने घायल कर दिया। बता दें कि महिला के चेहरे पर पेपर कटर से हमला किया गया, जिससे उसे 118 टाके आए। इस मामले को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी गंभीरता से लिया है। घटना शनिवार की है। रविवार सुबह मुख्यमंत्री ने भोपाल के बड़े पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को तलब किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने तीनों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवाजी नगर स्थित पीड़ित सीमा सोलंकी के घर जाकर उसका हालचाल भी जाना। वहीं मुख्यमंत्री ने महिला को 1,00,000 रुपए की राशि भी दी है। मैं अपनी बहन सीमा सोलंकी से मिलने आया था। ये वो बहादुर बहन है जिसने गुंडों ने जब छेड़छाड़ की कोशिश की तो उनको थप्पड़ मारा था। पहले वो भाग गए थे भीड़ देख के, और बाद में जब अपने पति के साथ सीमा जा रही थी तो ब्लेड उसको मारी। इस घटना से मेरा मन दुखी भी है लेकिन उद्वेलित ज्यादा है। जिन अपराधियों ने ये पाप किया है उनको हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। उनको कठोरतम सजा दी जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज सवेरे ही मैंने बैठक बुला के साफ कह दिया है कि इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिरफ्तार तो होगा, कठोरतम कार्रवाई होगी, लेकिन मैं सीमा के साहस को प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं कि उसने चुपचाप सहा नहीं। और किसी ने अगर आपत्तिजनक हरकत की तो हिम्मत के साथ मुकाबला किया। सीमा का संपूर्ण इलाज हम कराएंगे। अभी डॉक्टर आए हैं, देखेंगे प्लास्टिक सर्जरी और बाकी क्या हो सकता है उसकी व्यवस्था करेंगे। और सीमा के साहस के लिए उसको 1,00,000 रुपए का मैंने पुरस्कार दिया है। अन्याय सहन नहीं करना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, इसकी प्रेरणा बनी है सीमा। मैंने बेटे बेटियों के बारे में पूछा, वो पढ़ते हैं, अभी यहां से दूर पढ़ते हैं। तो मैंने कलेक्टर को निर्देश दिया है कि अहमदाबाद मतलब उस इलाके के बजाय आसपास ही उनका एडमिशन होगा। सीमा के पति पुताई का काम करते हैं। जिनने यह हरकत की है, ऑटो ऑटो के लाइसेंस, अब जिंदगी भर ऑटो तो क्या कुछ भी नहीं चला पाएंगे वो, और बाकी कार्रवाइयां हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि सीमा सोलंकी का साहस सराहनीय है। बदमाशों की आपत्तिजनक हरकत पर उन्होंने हिम्मत से उनका मुकाबला किया। राज्य सरकार सीमा सोलंकी का इलाज कराएगी। अन्याय का प्रतिकार करना अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का काम है। इस नाते सीमा अन्य महिलाओं के लिए प्रेरक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम भाषी न्यूज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्राइम भाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।